दोस्तों रिवेल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ फैक्ट नंबर फर्स्ट, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा था। आपको सबको पता होगा है केरोसिन में क्यों रखा था, पर मैं आपको अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु होने के कारण यह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड जिसे Na2O कहते हैं यह बनाती है, तथा यह Na2O आर्द्र वायु से रिएक्ट करके NaOH का निर्माण करती है। तथा यह NaOH जिसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, यह कास्टिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह CO2 से क्रिया करके Na2CO3 जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, धावन सोडा भी बोलते हैं। आपने प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपने देखा होगा सोडियम को जल में गिराने से पटपट की आवाज़ देता है। यह अत्यंत क्रियाशील होने के कारण यह जल में विलय नहीं होता है और यह बेंजीन और ईथर में विलय होता है। तो दोस्तों